दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर और एग्ज़ाम में कैसे जो है आप 90% से अधिक ला सकते हैं। उसके लिए देखिए, इससे पहले बहुत पहले ही जो है टाइम टेबल आउट हो गया आपका। 16 फरवरी को आपको हिंदी है, 20 को जो है आपका गृह विज्ञान है, 21 फरवरी को गणित है, 25 फरवरी को चित्रकला है, 27 को विज्ञान है, 1 मार्च को जो अंग्रेजी है और 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान है। यानी कि यहाँ पे आपको टाइम टेबल आउट हो चुका है। आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि 25 के बाद, यानी कि मान लीजिए 27 से लेकर और 3, यानी कि विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में आपके पास समय एक एक दिन करीब बचेगा। जैसे 27 को होगा विज्ञान, फिर एक दिन गैप रहेगा, फिर आपको अंग्रेजी होगा, फिर एक दिन गैप, फिर जो है सामाजिक विज्ञान, यानी कि एक एक दिन का जो इसमें गैप है। तो आपको इसके लिए आपको जो है पहले से तैयारी करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं टाइम टेबल कैसे बनाया गया है। जैसे यहाँ पे आपको टाइम टेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ एक बनाया है टाइम टेबल कि 1 फरवरी से 5 फरवरी तक आपको शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सामाजिक विज्ञान की जो है तैयारी करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में सामाजिक विज्ञान है, इसीलिए आपको जो है इस समय याद कर लेंगे तो फिर आपको जो है एक दिन जो टाइम बचेगा बीच में, आप उस एक दिन में इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको 1 फरवरी से 5 फरवरी तक शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सामाजिक विज्ञान का जो है याद करना है। और याद क्या करना है, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको जो है चार पार्ट को, बस चार पार्ट में ही आपको याद करना है। एक पार्ट से लेकर चार पार्ट के बीच में उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको आपको याद करना है। फिर आपको 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक अंग्रेजी, जो अंग्रेजी में जो भी इम्पोर्टेंट, जो चार चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको आपको याद करना है। फिर आपको 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है कंप्लीट नींद लेनी है। फिर सुबह में आपको 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, जो आप रात में यहाँ पे शाम के समय जो आप यहाँ पे याद किए हैं उसी को यहाँ पे आपको रिवीजन करना है सामाजिक विज्ञान। फिर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जो आप जो है यहाँ पे अंग्रेजी जो याद किए हैं इसी को यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। मतलब 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में आपको सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी शाम को याद करना है और सुबह में उसी को रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद से आपको जो है 6 फरवरी से 10 फरवरी तक शाम को जो है विज्ञान में जो भी इम्पोर्टेंट 3 पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है उसको आपको याद करना है यहाँ पे। फिर 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको अंग्रेजी में जो भी ग्रामर जो भी है उसको आपको याद करना है। ग्रामर में आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको जो है सेंट्रल आइडिया याद करना पड़ेगा, एक्टिव पैसिव जो भी है उसको आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। फिर सुबह में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो यहाँ पे आप विज्ञान को याद किए हैं इसी को यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। सुबह में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे जो सुबह में जो 5 बजे से 6 बजे तक है, जो आप यहाँ पे विज्ञान और अंग्रेजी यहाँ पे याद किए हैं 1 से लेकर 5 फरवरी के बीच में, उसको आपको यहाँ पे याद करना है, यानी रिवीजन करना है। साथ साथ आपको विज्ञान का भी हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी तीनों का यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। सुबह में विज्ञान का हो जाएगा और फिर सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी का, जो तीनों का रिवीजन साथ साथ होता जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पे 11 फरवरी से 15 फरवरी पर फरवरी के बीच में आपको शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गृह विज्ञान जो भी 4 पार्ट से 1 से लेकर 4, डेली टारगेट बनाइए कि आप हमको 4 पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको याद करना है, तो यहाँ पे आपको याद करना है। और 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको हिंदी आपको याद करना है, जो भी इम्पोर्टेंट है, या फिर आप मॉडल पेपर लिखे हैं, गेस्ट पेपर लिखे हैं, या जो भी आपके स्कूल में क्लास में कहीं भी आपको जो बताया गया है उसको आप याद करना है। फिर सुबह में 4 बजे से 5 बजे तक जो यहाँ पे गृह विज्ञान याद किए हैं उसी को यहाँ फिर रिवीजन करना है आपको। फिर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको जो है जो हिंदी यहाँ पे याद किए हैं उसको आपको यहाँ पे रिवीजन करना पड़ेगा। क्या होगा कि आपको हिंदी को जो है एक ही बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी आपका जो है 16 फरवरी को है, तो अगर आप 11 से और 15 के बीच में याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपको हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। फिर गृह विज्ञान की आपको तैयारी अच्छे से हो जाएगा। और रही बात इसमें गणित वालों के लिए, तो गणित के लिए आपको जो है दिन में समय निकालना पड़ेगा और दिन में डेली आपको जो है एक चैप्टर
आपको हल करना पड़ेगा, जो भी मस्ट इसमें जो भी इसका फार्मूला है उसको भी याद करना पड़ेगा, और डेली एक एक जो है चैप्टर आपको जो है बनाना पड़ेगा। तो मैथ के लिए आपको जो है डेली काम करना पड़ेगा, वो भी दिन में करना पड़ेगा, ये आपको दिन में करना पड़ेगा। और शाम के लिए आप ये टाइम टेबल देख ही लिए हैं, तो इस टाइम टेबल सब तैयारी करते हैं तो गारंटी है कि आप जो है 90+ से अधिक ही मार्क्स आपका आएगा।